नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। वेल, मेरा नाम है तनिष्का और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले टॉपिक है शारीरिक शिक्षा की अवधारणा लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा लक्ष्य तथा उद्देश्य, पहला टॉपिक हमारा यही है। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी शारीरिक शिक्षा होता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और इसे पढ़ने के हमारे उद्देश्य क्या है, ठीक है। और सेकंड हमारे टॉपिक है खेलों में बदलती प्रवृत्तियां, खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और उपकरण तथा तकनीकी प्रगति, ठीक है। और सेकंड टॉपिक में हमें पढ़ना है कि जो हमारे खेल हैं उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से खेल हमारे होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कौन से प्लेग्राउंड पे क्या क्या खेला जाता है, बस वही, ठीक है। अब आज के हमारे बस ये दो टॉपिक हैं, हमें इनको कवर करना है। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, अब शारीरिक शिक्षा होता क्या है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही अंग है जो सारी गतिविधियों के माध्यम से दी है। ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन हमारी एजुकेशन का ही एक अंग है और हम इसलिए ही इसको पढ़ रहे हैं। और बाकी हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को हम अभी के लोगों को फिट होने की और अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम फिजिकल एजुकेशन को अपने सब्जेक्ट्स में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा के केवल शारीरिक विकास में ही सहायक नहीं होती है, बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी बहुत हद तक सहायक है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि हम फिजिकल एजुकेशन सिर्फ अपनी हेल्थ को फिट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को भी फिट करने के लिए रखते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारी जब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहेगी तो हमारी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कि आप देखते होंगे अगर कि कोई ज़्यादा डिप्रेशन में है तो ऑब्वियसली उसको हम मेंटल हेल्थ में रखते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी डाउन है, ठीक है। और डिप्रेशन में लोगों को क्या होता है कि वो ज़्यादा जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। और जब वो सोशल सोसाइटी में जाते हैं तो उनको हर बात पर ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत लोगों की लड़ाई भी होती है, बहुत फाइटिंग भी होती है, जिस वजह से हम फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ फिट सॉरी फिजिकली फिट हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी पढ़ते हैं और हमारे सोसाइटी में हमारा उसका क्या असर होता है वो भी देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक JR Sherman, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि कौन से जो भी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजर है, उन्होंने क्या वो दिया है तर्क कि उनके हिसाब से फिजिकल एजुकेशन होती क्या है, क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं ना तो उसके अंदर MCQ में पूछ लेते हैं कि ये तर्क किसने दिया था, और या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि इन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था। तो इस वजह से हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन से व्यक्ति ने क्या बोला था। जैसे कि हमारे पहले व्यक्ति हैं JR Sherman, इनके हिसाब से फिजिकल एजुकेशन क्या है, ठीक है। JR Sherman के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अनुभव को उस सीमा तक प्रभावित करता है जहाँ तक व्यक्ति की परिमिति हो, ठीक है। फिर इनके हिसाब से फिजिकल एजुकेशन उसको साबित करता है जहाँ तक इंसान फिट रहे, ठीक है। परिमिति का मतलब होता है फिट रहना, जहाँ तक उसकी फिटनेस हो, जहाँ तक वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों से फिट है, जब तक वो हमारी फिजिकल, मतलब उनके कहने के अनुसार कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन जब तक कोई इंसान फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, उसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। उसे समाज में सफलतापूर्वक समायोजन में मदद दे ताकि वह अपनी इच्छाओं में वृद्धि और सुधार लाकर इन इच्छाओं की पूर्ति करने के योग्यता विकसित कर सके। अब कोई इंसान फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, तो ऑब्वियसली अगर वो फिजिकली फिट है तो मेहनत ज़्यादा करेगा, अपनी इच्छाओं के अनुसार कमाएगा, अगर उसको कोई घर लेना है तो ऑब्वियसली उतनी मेहनत करके कमाएगा। ये जब ही हो सकता है जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों फिट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको मेंटली फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बॉस का भी प्रेशर झेलना है, अपने काम का भी प्रेशर झेलना है, और उसके बाद फिजिकली फिट होना तो ऑब्वियसली जरूरी है। अगर आप बीमार पड़े रहोगे मैक्सिमम टाइम तो आप जॉब पर कैसे जाओगे, ऑब्वियसली सैलरी कट होगी। तो इनके अनुसार यह है कि अगर कोई इंसान फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है
और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है तो वो फिजिकल एजुकेशन की अवधारणा ये बोलते हैं कि। फिर इसके बाद हमारा आता है JB Nash। ठीक है, JB Nash ने क्या बोला था, ये दो ही नाम है हमारे पास, इन दोनों की अवधारणा हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि MCQ में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि किसके क्या अवधारणा थी, इनको डिफ्रेंशिएट करो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, JB Nash के अनुसार शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का क्षेत्र है जिसका संबंध शक्तिशाली पेशीय क्रियाओं और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से है। ठीक है, इन जैसे हमने उनका पढ़ा था, उनके हिसाब से था कि कोई भी इंसान फिजिकली फिट है जब तक वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, तो इनके अनुसार वो था। पर JB Nash के अनुसार है कि कोई भी इंसान जब तक शक्तिशाली है और फिजिकली फिट है और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सारी प्रतिक्रियाएँ कर सकता है और वो इनकी अवधारणा है। ठीक है, दोनों की अवधारणा में बहुत डिफरेंस है। देखो, जैसे कि वो कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना, बट इनका सिंपल है कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए, खत्म बात। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, शिक्षा ही है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व और उसकी शारीरिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा उसके शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास के उद्देश्य से दी जाती है। शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा है जो बच्चों को फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट उसके लिए कराई जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली हम फिजिकल एजुकेशन में यही पढ़ते हैं कि हम अपनी बैलेंस डाइट में क्या रख सकते हैं, हम फिजिकली फिट कैसे हो सकते हैं, मेंटली फिट कैसे हो सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं फिजिकली फिट और मेंटली फिट होने के लिए। तो ये होता है हमारा शारीरिक शिक्षा का अर्थ। ठीक है, अब आता है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हम शारीरिक शिक्षा क्यों पढ़ते हैं? मेनली हम सिर्फ फिजिकल फिट होने के लिए शारीरिक शिक्षा नहीं पढ़ते, और अगर हमें फिजिकल फिट होने के लिए शारीरिक शिक्षा ही पढ़ना होता तो ऑब्वियसली हम एक दो बुक लेते, उसमें बैलेंस डाइट वगैरह देख लेते कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो उससे हमारा हो जाता। बट ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ, वो मेंटल हेल्थ भी डिपेंड करती है, हमारी सोशल लाइफ भी डिपेंड करती है उसके ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, इसलिए हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति का स्वगणित विकास करना। ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन हमारे विकास के लिए ही होता है, अनलेस अनटिल हम हेल्दी नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अगर आप बीमार होते हो तो हमारे कुछ काम करने का मन नहीं करता। ठीक है ना, तो जब हमारा कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा तो हम विकास कैसे करेंगे, ना अपना कर पाएंगे ना किसी और का विकास कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली हमें फिजिकल एजुकेशन इसलिए भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता को विकसित करना है जिससे व्यक्ति अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। जैसे कि अभी मैंने बोला कि जब तक हम बीमार रहते हैं हम अपना भी विकास नहीं कर सकते, किसी और का भी विकास नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब हम हेल्दी रहेंगे तो अपना भी काम करेंगे सारा, दूसरे का भी सारा काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, म्यूचुअल विकास होगा, मतलब म्यूचुअल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और जब म्यूचुअल डेवलपमेंट होगी तो आप ही नहीं सामने वाला भी बढ़ेगा और इस हिसाब से हमारा जो देश है वो भी बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए एक कुशल और योग्य नेतृत्व देना। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं ठीक है, उसमें क्या होता है, हमें मेंटल हेल्थ भी पढ़ाई जाती है। तो मेंटल हेल्थ में हम सबसे पहले सीखते हैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, अच्छे निर्णय लेना, अगर कोई बुरी सिचुएशन है तो उसमें अपने आप को पॉजिटिविटी कैसे लाएं उसके अंदर, ठीक है ना, उसके उसमें अपने आप को चीयर अप कैसे करें, तो ये सब, तो उसमें हम ना अच्छे अच्छे फैसले ले सकते हैं। ठीक है, अगर कभी हम सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, हम बहुत गलत फैसले भी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो बहुत गलत फैसले भी ले लेते हैं, बट एज अ फिजिकल एजुकेशन लर्नर हमारे पास इतने वो होते हैं, मतलब इतने हमारे पास पावर होते हैं कि हम अपने निर्णय को एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं, अपने गुस्से, अपने दुख सब पे काबू कर सकते हैं, तो हम अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय को कार्य करने का अवसर दे और वे सभी क्रियाओं में शारीरिक रूप से लाभदायक, मानसिक रूप से प्रेरक और संतोषजनक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, और हाँ, ऐसी सुविधाएं प्रदान करना कि जिससे लोग फिट भी रहें, ठीक है, मेंटली फिट भी रहें और हर चीज़ में सक्षम हो। अगर हम फिजिकली फिट और मेंटली फिट रहेंगे तो ऑब्वियसली हम हर चीज़ में सक्षम होंगे। अगर हमें अपने गुस्से पे काबू करना आता है, हमें अपने इमोशंस को पे काबू करना आता है, तो ऑब्वियसली हम
सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य एक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त रह बनाना है और उसमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए ताकि वह लोगों को साथ खुशी से रह सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। द मेन चीज़ हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं वो हम सिर्फ एक अच्छा नागरिक बनने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। और भारत सरकार का भी यही अनुयाय है कि बच्चे शारीरिक रूप से अच्छे हों, मानसिक रूप से अच्छे हों, ताकि जो हमारा समाज है वो अच्छा जाए, अच्छा बने। जैसे हम देखते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम हमारे देश के भविष्य, तो ऑब्वियसली जब हम अपने देश के भविष्य को ही इन सब गुणों से रहित करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना देश, है ना। जब तक उनके अंदर ही इमोशनल और हर तरह का सपोर्ट होगा, हर तरह की सिचुएशन से उन्हें निकलना आता होगा, हर तरह का काम उन्हें करना आता होगा, तो ऑब्वियसली हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो भारत सरकार का यही निर्णय है कि हम जो भी बच्चे हैं हमारे, उनको हम फिजिकल रूप से और मेंटल रूप से, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से फिट बनाएं ताकि वो अपना भी कल्याण कर सके और समाज का भी कल्याण कर सके। और अपना और समाज का जब कल्याण होगा तो ऑब्वियसली देश का कल्याण तो अपने आप ही होगा। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, ये करवाना क्या चाहते हैं हमें शारीरिक शिक्षा पढ़वा के, ये हमें देखना है, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्ट है शारीरिक विकास। ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ेंगे, शारीरिक शिक्षा हम पढ़ेंगे, तो हमारा शारीरिक विकास होना तो ज़रूरी ही है, ठीक है। जैसे शारीरिक शिक्षा हम पढ़ेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारे हेल्थ है, क्या हमारे लिए अनहेल्दी, कौन से एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए अपने आप को फिट बनाने के लिए, तो उससे हमारा शारीरिक विकास हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है शारीरिक शिक्षा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है और जब हम शारीरिक क्रिया करते हैं तो उनका हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों जैसे रक्त संचार, श्वसन संसाधन, स्नायु प्रणाली, मांसपेशियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम जब भी हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो उससे हमें पता लगता है, और फिजिकल एजुकेशन का कोई भी काम करते हैं तो उससे हमारा जो ब्लड होता है वो बढ़ता है, हमारे मांसपेशी अच्छे होते हैं, इसलिए हम एथलीट्स को देखते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, उनके मसल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो मांसपेशियाँ उनके अच्छे हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद ब्लड संचार होना, ठीक है, जब हम रनिंग करके आते हैं तो हमारे अंदर ब्लड ज़्यादा वो फ्लो करता है, तो ये सब होता है हमारे फिजिकल एजुकेशन से। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इन्हीं की वजह से हम फिजिकल फिट बनते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जो भी मेंटली फिट होना और फिजिकली फिट होना, ये इन्हीं सब की वजह से होता है। जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हम फिजिकली फिट नहीं हो सकते। जिससे इनके आकार, रूप और कार्य क्षमताओं में भी वृद्धि होती है। इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होने से उचित रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे, ठीक है। इससे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे अगर हम, जैसे आप एथलीट्स को देखते होंगे, वो बहुत रनिंग करते हैं, बहुत बॉक्सिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि लाइक हम प्रैक्टिस करें अपने मैच के लिए, है ना। तो जितना ज़्यादा वो करेंगे उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होंगे। जितना ज़्यादा हम एक चीज़ को बार बार करते हैं उतनी ज़्यादा हम स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बॉक्सिंग नहीं मैम, शायद मार्शल आर्ट प्लेयर्स हैं, उनका नाम है ब्रूस ली। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी बढ़िया सी कि मेरे को उस एक मुक्के से डर नहीं लगता जो सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया हो, मुझे उस एक मुक्के से डर लगता है जो 10,000 बार किसी ने प्रैक्टिस किया हो। क्योंकि ऑब्वियसली अब वो उसके अंदर सक्षम है, वो उसके अंदर एक्सीलेंट बन चुका है कि वो उस, मतलब वो उसकी अब पावर बन चुकी है। जो चीज़ हम 10 बार से ज़्यादा करेंगे, बहुत बार रिपीट करेंगे, तो वो हमारी पावर बन जाती है ना। और उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल सकते हैं, है ना, उस हिसाब से हम हर चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखो, अगर किसी सब्जेक्ट में आप बहुत ही अच्छे हो तो आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, बट आपको इंटरेस्ट उसके अंदर है तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा उसको पढ़ते हो। तो सेम चीज़ वो यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। मानसिक विकास, आजकल के लोगों के अंदर ना मानसिक, फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा अच्छा होना मानसिक विकास है। क्योंकि लोग फिजिकल फिट तो हो जाते हैं जिम वगैरह जाके, बट वो अपना मेंटली फिट नहीं हो पाते, ठीक है। बहुत स्ट्रेस होता है लोगों को, बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत मुसीबतें होती है लाइफ के अंदर, बट उनको वो इमोशन संभालने नहीं आते। अब जैसे देखता हूँ कि आप दिल्ली वगैरह में
दिल्ली मुंबई में कहीं भी आप देखते होंगे तो क्या होता है कि लोग जैसे कभी कोई धक्का लग जाते हैं तो रनने लग जाते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस। अगर आप अपने इमोशंस पे काबू कर सकते हो तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, देश तरक्की करेगा और किसी को किसी से ईर्ष्या वगैरह नहीं होगी, और हमारे जो भी क्रिमिनल रेट्स हैं वो इस वजह से बहुत कम हो सकते हैं। ठीक, तो शारीरिक शिक्षा क्रियाओं मांस मस्तिष्क को जागरूक तथा एकाग्रत बनाती है, मतलब जो हमारा मेंटल हेल्थ है मस्तिष्क मतलब ब्रेन, ठीक है, उसको जागरूक बनाती है। अब हाँ, जागरूक कैसे, लाइक हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हम उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और उससे हम ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ध्यान लगा पाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे आप मेडिटेशन बहुत करोगे तो आपकी पढ़ाई में भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, किसी बात को आप जल्दी से कैच कर सकते हो, है ना, तो वो हमारे ऐसे हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है, अब शारीरिक शिक्षा में अन्य विषयों को भी जोड़ दिया गया है जिसमें खेलने के तरीके, नियम, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, शारीरिक की संरचना, संतुलित आहार, रोग, व्यक्तिगत स्वास्थ्य इत्यादि शामिल हैं। फिजिकल एजुकेशन में और भी टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि हमारा क्या क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, कैसे कैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या क्या इनके नियम होते हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर अब ऐड हो गए। हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस और मेंटली फिटनेस और सोशल लाइफ अपनी अच्छी बनाना ये सब ही नहीं पढ़ते, बाकी और भी टॉपिक्स पढ़ते हैं। इसके बाद आता है, इन क्रियाओं को करने से मनुष्य का मानसिक विकास तेज गति से होता है। देखो, मानसिक विकास ऑब्वियसली तेज गति से होता है, अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप योग करते हो, आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो जो हमारे फिजिकली फिटनेस और मेंटली फिटनेस के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो उससे हमारा विकास तीव्र गति से होना जायज़ है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ेगा, है ना, तो हम जल्दी से की चीज़ें कैच कर पाएंगे, जल्दी से वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी, जल्दी से हम किसी भी चीज़ पे ध्यान दे पाएंगे, और जो भी हमारी फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं आस पास वो छोड़ के हम अपनी पढ़ाई पे कॉन्सन्ट्रेट कर पाएंगे, या फिर जो भी काम आपको अच्छा लगता है उसके अंदर कॉन्सन्ट्रेट कर पाएंगे। जैसे आप जानते होंगे, जैसे हमें फ़ोन देखना बहुत पसंद है ना, बैठे रहेंगे, रील्स स्क्रोल करते रहेंगे, शॉर्ट्स स्क्रोल करते रहेंगे या गेम वगैरह खेलते रहेंगे, तो उस टाइम क्या होता है, जब हमारे पास आसपास कुछ चल रहा होता है हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, घर वाले चिल्ला रहे चिल्ला लो, है ना, तो आके छट भी पड़ते हैं मम्मी से। तो यही बात है कि हम बाकी चीज़ों पर कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते, तो सिर्फ गेम में, पढ़ाई में होता ना, अगर मम्मी ने एक आवाज़ लगाई तो तुरंत उठ के चले जाते हैं कि पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो चले ही जाते हैं। तो इसलिए हमारा मानसिक विकास ज़रूरी है, हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ तो उससे क्या होगा, हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी, हम तो घर वाले से डांट भी नहीं पड़ेगी, पहली बात, ठीक है, पढ़ाई अच्छी होगी तो घर वाले से डांट नहीं पड़ेगी, हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, किसी और की बात भी सुन पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा सामाजिक विकास। मनुष्य में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। ठीक है, सामाजिक, इसमें क्या होता है कि सामाजिक विकास में कि हमारा, हम किसी के भी नेतृत्व का विकास, सॉरी, हमारे ही नेतृत्व का विकास होता है, लाइक कि जैसे हम किसी को ही हमारे सामने अपने पॉइंट सकते हैं, ठीक है, हम अब हमारी क्या आदत है कि सामने वाला पॉइंट सकता है तो हम काट के अपने पॉइंट सकने लग जाते हैं, बट उससे क्या होता है कि फिर दोनों में अनबन होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ये सीखते हैं कि हम सामने वाले के पॉइंट्स भी रख सकें, अपने भी पॉइंट्स रख सकें, सबकी दोनों की बात म्यूचुअली समझ सकें, और उससे हमारे गुणों का विकास होता है। अगर हम एक दूसरे की बात समझेंगे, सुनेंगे, करेंगे तो इट्स इजी फॉर अस कि हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। और जैसे कि आप देखते होंगे, टीम बनती है किसी भी चीज़ के लिए, तो लीडर सब डिसाइड नहीं करता, टीम वालों से डिसाइड होता है वो, ठीक है, और लीडर सबसे पूछता भी है कि लाइक हमें क्या करना चाहिए, वो सबके पॉइंट्स लेता है, ठीक है ना, फिर उसको जिसका पसंद आता है वो उसका लगाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई वो आया कि मैं तो लीडर हूँ और मैं बोलूँगा वही होगा, नहीं, इससे हम सब इससे हम सीख सकते हैं कि लाइक लीडर, हम देश में एक लीडर की तरह हैं जो सबकी बात सुनेगा और सबकी बात समझेगा और तब अपनी बात रखेगा। ठीक है, अब हर टीम आपको, अब टीम बुक तो बना के दूंगी नहीं मैं, अब अपनी टीम खुद ही है, अपनी टीम की खुद ही लीडर हैं और अपना नेतृत्व खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन कर पाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, परिस्थिति, ठीक है, अगर आप बहुत बुरी परिस्थिति में हो, लाइक कि आप 4 मैच जीत गए, है ना, सॉरी बुरी कह रही हूँ, बहुत अच्छी स्थिति है,
अब सीधे 4 मैच जीत गए और सामने वाली टीम एक भी नहीं जीती, तो वो आपके लिए तो खुशी की बात है, बट सामने वाली टीम के लिए तो दुख की बात है कि लाइक वो एक भी मैच नहीं जीती। तो उसमें क्या होता है कि लीडर को बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और अपनी टीम पे गुस्सा भी आ रहा होता है, बट उस टाइम पे भी वो चीयर करता है, और सबसे ज़्यादा चीयर वो करते हैं जो उस टीम के मेंबर होते हैं, रेफ, जो भी टीम लीडर होगा, ठीक है, जो भी कोच होगा, जो भी स्कूल वाले होंगे या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन वाले जो भी होंगे, जो भी खेल वो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं वो। तो उस मामले में हम क्या करें, है ना, उस मामले में हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हम बहुत दुखी हैं, तो उस मामले में अपनी टीम को चीयर अप करें, डांटे क्या करें। तो ये सब फैसले लेना आसान हो जाते हैं जब हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हम बहुत काम रहते हैं उसमें, हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना आ जाता है, हम हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी बातें कर सकते हैं। अब भले ही हम कितने भी मैच हार चुके हों, बट हम अपनी टीम को चीयर अप करते हैं, तो यही सब विकास हमारा होता है, ठीक है। तो उससे हम अपने, हाँ, सबसे पहली बात है, अपने गुस्से पे भी हम बहुत काबू कर सकते हैं इससे, और जो सबसे बड़ी चीज़ है आज के दिनों में, ठीक है ना, मित्रता की भावना विकसित होती है, मित्रता की भावना विकसित होती है। अच्छा, क्रिकेट तो आप सभी देखते होंगे, है ना, तो बैटमैन ट्रिक के बारे में तो सुना ही होगा। तो उसमें क्या होता है कि लाइक अगर कोई अपना सेंचुरी बनाने वाला है, हाफ सेंचुरी बनाने वाला है, तो सामने वाला भी जो बॉलिंग वॉलिंग कर रहा होता है वो भी उसको मौका देता है कि भाई चल तू बना ले आज, है ना। तो यही दोस्ती वोस्ती की मित्रता साबित होती है ना, सामने वाले टीम से तुम सीधे लड़ने नहीं लग जाते, हार गए तो मैच हार गए, बाद में हाथ मिलाने तो जाते हो ना, तो सेम हम ब्रदरहुड प्रमोट करते हैं इससे। अच्छा, खेल संयम, खेलने की भावना, संतावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है, इनसे अच्छी तरह स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। ऑब्वियसली अगर आपकी मेंटल है, ओ सॉरी, अगर आप मेंटली अच्छे हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आप किसी से झगड़ा लड़ाई झगड़ा वो भी नहीं करेंगे, सामने वाला भी आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, और आपको हर सिचुएशन को लेना आता है अच्छे से, तो ऑब्वियसली भाई समाज तो अच्छा होगा ही, ठीक है, समाज का विकास तो होगा ही, है ना, और आप स्वस्थ भी होंगे। भावनात्मक विकास, ठीक है, अब आप बोलोगे भाई मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट करती जा रही हूँ, ऐसा नहीं है, वो बात है कि मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि मानसिक विकास, फिजिकल विकास और गुस्से पे काबू करना, ये वो प्लानिंग बनाना, तो भाई हमारे फिजिकल एजुकेशन में यही चीज़ है, हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर यही चीज़ है, हम अपनी भावनाओं को कैसे रोक सकते हैं, उस टाइम आने ना दे अपने गुस्से को, ये वो प्लानिंग बनाना, तो ये सब ही है इसके अंदर, ठीक है। खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, तत्व, क्रोध, इन पर उचित नियंत्रण स्थापित हो जाता है। देखा मैंने कहा था ना कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम काबू नहीं कर पाते अपने पे, ठीक है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, दुख में भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, दुख में तो और ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो यही सब पे काबू करना हमें सीखना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो इतना भी ज़्यादा खुश ना होते, भाई सामने वाली टीम भी तो हारी है ना, तो थोड़ा उस हिसाब से रखना चाहिए, ठीक है ना हमें। तो अब ये मत बोला कि भाई मैम एक ही चीज़ रिपीट करती जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है, ये इसमें खुद ही लिखा है, ठीक है। इसके बाद आता है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम इन संदेशों को विकसित करते हैं तथा इन पर नियंत्रण भी करना सिखाते हैं, ठीक, यही सब मतलब जो भी था, ये खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, है ना, खुश, जब हम मैच जीतते हैं तो हमें खुशी होती है, जब हम मैच हारते हैं तो हमें गुस्सा आता है, बहुत दुखी भी होते हैं, फिर और अगर हमने 5 गोल हमने कर दिए, 2 गोल, 3-4 गोल उन्होंने कर दिए और उनके टीम वाले को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल गया, तो ऑब्वियसली ईर्ष्या भी होती है हमें, है ना। तो बस यही चीज़ काबू करनी हमें सीखनी पड़ती है ना। स्वास्थ्य का विकास, अब हम अपने हेल्थ का विकास कैसे कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम फिजिकली फिट कैसे हो सकते हैं, अब हम ये सब जानेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों का विकास, अब स्वास्थ्य का विकास होगा तो ऑब्वियसली स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों का भी विकास होगा, जैसे कि आप जिम वालों को देखते हो या फिर किसी भी टीम प्लेयर को देखते हो तो वो हेल्दी डाइट लेते हैं, ठीक है, चीट डे पे ही अपना चीट मील खाते हैं, वो भी जो भी ऑयली वॉयली खाते हैं वो, ठीक है, सुबह रनिंग पे जाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट में भी अच्छी डाइट लेना, है ना, कीटो डाइट भी होती है, बहुत सारी तरह की डाइट्स होती हैं, वो फॉलो करना और हमेशा हेल्दी खाना, सैलेड को इंक्लूड करना अपने उसके अंदर, तो यही सब अच्छे आदत और स्वास्थ्य, जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तो यही सब आदतें अच्छी होंगी आपकी, और फिर जब आपको फिजिकली फिट होना होगा तो आप ये सारी डाइट फॉलो करनी होगी, और एक टाइम पे ये डाइट फॉलो करते 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 ये आपकी आदत बन जाएगी, तो बस यही, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों का विकास। स्वास्थ्य जीवन शैली जीने के लिए प्रभावित करना,
ठीक है, अब आप फिजिकली फिट हैं, आप फिजिकली फिट हो रहे हैं, ठीक है, आप मेंटली भी फिट हो रहे हैं और आप उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करके मेंटली और फिजिकली फिट हुए हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी यही प्रोवाइड करोगे ना। लाइक अगर दोस्त आएगा भाई यार बहुत वो है, मतलब बहुत फैट पड़ गया है, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, जिम जाने के, अरे भाई जिम क्यों जाना, मैं बताते रहूँ तेरे को कि ये फॉलो कर और हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यही, और यही हम स्प्रेड करेंगे आगे भी, ठीक है। संक्रामक रोगों से बचाव की शिक्षा प्रदान करना, ओके, संक्रामक रोग मतलब वायरल वगैरह जो होते हैं ना, वायरल कोल्ड हो गया, वायरल फीवर हो गया, ये सब, और जैसे कोरोना भी हो गया, तो कोरोना भी हमारा टच वाला ही होता है ना, कि अगर जैसे किसी को हुआ है, अगर उसने हमें टच कर दिया तो शायद हमें भी हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ से रोकथाम करना ये सब सिखाता है, ठीक है। और हमें अगर ऑब्वियसली अगर हम ये सब फॉलो करते हैं तो हमें पता होगा कि इसको कैसे स्प्रेड होने से रोकना है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर करनी चाहिए, क्या क्या हमारा होना चाहिए, तो उसे हम रोक सकते हैं। इसके बाद आता है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम व्यक्ति में चिंता, दबाव और तनाव को काफी हद तक कम करते हैं। चिंता, तनाव, शारीरिक शिक्षा से हमारे व्यक्ति के अंदर चिंता और तनाव बहुत हद तक कम हो जाता है। ऑब्वियसली जब हम रनिंग वगैरह पे जाते हैं तो आपने देखो जैसे कुछ कुछ प्लेयर होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, तो वो बहुत रनिंग वनिंग पे चले जाते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग वगैरह कर लेते हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाता है ना। और जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो अपनी फेवरेट चीज़ करना पसंद करते हैं, जैसे लोगों को बहुत खाना पसंद होता है ना, सोना पसंद होता है, तो यही सब, तो इससे हमारी जो भी फिजिकली हेल्थ है वो अच्छी होती है ना। फिर इसके बाद व्यक्ति का स्वास्थ्य और बेहतर हो जाता है, इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य और बेहतर हो जाता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य, ठीक है। फिजिकली फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे तो भाई उसको फॉलो तो करोगे ही ना अपनी लाइफ में, है ना, और उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हम फिजिकली फिट बनेंगे, मेंटली फिट बनेंगे, सोशली फिट बनेंगे और हमारी स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी। तो हम जब फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हमारे बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम कोई भी बीमारी, मतलब जैसे कोई भी फीवर वगैरह हो गया, जो भी हमारी नॉर्मल बीमारी होती है, तो उसको सबको कैच कर सकते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वी नो कि हमें क्या क्या करना चाहिए इन सबसे बचने के लिए, क्या क्या खाना चाहिए। जैसे हमें ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, हमें बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए, ग्रीन ग्रीन फूड तो मैक्सिमम हमें घिया तोरी खिलाते हैं, हम नहीं खाते होंगे, आई स्वेयर मेरे को पता है आप नहीं खाते होंगे, बट वो हमें खाना चाहिए, इट हेल्प्स अस टू कीप हेल्दी, वो हमें हेल्दी रहने में मदद करता है भाई, सब खाया करो। खेलों में बदलती प्रवृत्तियां, अब खेलों में क्या क्या होता है, वो कैसे कैसे चेंज हुए ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या क्या होगा, शारीरिक शिक्षा क्या होता है, कौन कौन सी अवधारणा किस किस की है, शारीरिक शिक्षा से पढ़ने में हमारे जो भी मानसिक विकास में क्या क्या होता है, भावनात्मक विकास में क्या क्या होता है, सामाजिक विकास में क्या क्या होता है ना। और इसके बाद हमने पढ़ा कि हम शारीरिक शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, भारत सरकार ने क्यों शारीरिक शिक्षा को हमारी पढ़ाई में डाला, तो ये सब तो हमारा हो गया शारीरिक शिक्षा के बारे में, कि शारीरिक शिक्षा होता क्या है, शारीरिक शिक्षा में हम क्या करते हैं, शारीरिक शिक्षा में हम क्या सीखते हैं, मानसिक विकास क्या होता है, उसके अंदर कैसे कैसे हम अपना विकास कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। अब खेलों में बदलती प्रवृत्तियां, आप खेलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। खेल की सतह, पहनने योग्य गियर, खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति, ठीक है। खेलों की सतह कि हम कौन सी सतह पे कौन कौन से गेम खेल सकते हैं, पहनने योग्य गियर, कौन कौन सी चीजें हमें पहननी पड़ती है कौन कौन से गेम के लिए, खेल उपकरण, उपकरण मीन्स क्रिकेट खेलते हैं तो उसके अंदर हमारे होते हैं ना बैट होता है, बैट होता है, पैड होता है, बॉल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब। और इसके बाद आता है तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति में टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे हम देखते होंगे क्रिकेट वगैरह मैच तो आप ऑब्वियसली देखते होंगे, तो जब भी थर्ड अंपायर को रिव्यू लेना होता है तो स्क्रीन दिखाते हैं ना, टेक्नोलॉजी का यूज़। हम रनिंग करते हैं, टाइमर लेके जाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कि हमने कितने टाइम में को कितने रन कितने टाइम में हमने पूरा राउंड कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी बॉक्सिंग मैच वगैरह जो भी हो रहा होता है, ठीक है, उसमें टाइम लिमिट होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़। बीएमआई नापने के लिए, बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, उसको नापने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, वेटिंग मशीन हो गई, हाइट मशीन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सब, और ऑब्वियसली जब हम आपने सुना होगा कि कोई भी प्लेयर मैच खेलने जाता है तो उससे पहले वो एक चीज़ से टेस्ट करते हैं ना कि इसने स्टेरॉइड्स तो नहीं लगे, कोई नशा तो नहीं कर गया, क्योंकि ऑब्वियसली नशे के बाद थोड़े वो हो जाते हैं, तो इसलिए उसको चेक किया जाता है, तो वो भी टेक्नोलॉजी हो गई, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे अब।
खेल की सतह। खेल की सतह वह चित्र होता है जिस पर कोई विशेष खेल खेला जाता है। खेल की सतह वो चीज होती है जिस पर कोई विशेष खेल खेला जाता है। ऑब्वियसली जैसे क्रिकेट होती है तो क्रिकेट की पिच होती है, टेबल टेनिस हो गया, फिर कोई भी टेनिस हो, टेनिस गेम हो गया ठीक है, उसके लिए अलग ग्राउंड होता है, बास्केटबॉल के लिए अलग ग्राउंड होता है, फुटबॉल के लिए अलग ग्राउंड होता है, कबड्डी के लिए अलग ग्राउंड होता है, तो वो होती है हमारी खेल की सतह ठीक है। इसके बाद आता है आजकल विभिन्न प्रकार के खेल अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप विभिन्न प्रकार की खेल सतहों पर खेले जाते हैं। खेल की सतह का प्रकार मुख्य रूप से उस खेल पर डिपेंड करता है, तीव्रता एवं प्रकृति पर निर्भर करता है ठीक है। अब खेल कैसा है, कौन सा खेल है, इंडोर इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है ना, और उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो उस पर डिपेंड करता है हमारी जो भी खेल का सतह होती है वो ठीक है। अब जैसे क्रिकेट ग्राउंड में आप देखते होंगे बहुत बड़ा ग्राउंड होता है ना, ओपन डोर गेम है ठीक है, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उसके अंदर एक पिच बनाई जाती है जिसमें हम क्रिकेट खेलते हैं, फिर बाकी सारे फील्डिंग के लिए खड़े होते हैं। और फुटबॉल में आपने देखा होगा, फुटबॉल के अंदर सिर्फ स्क्वायर टाइप का एक ग्राउंड होता है, दोनों तरफ नेट होता है और प्लेयर्स होते हैं दोनों तरफ, बास्केटबॉल दोनों तरफ नेट होता है बट वो अपर साइड वाला नेट होता है ठीक है। फिर टेनिस हो गया, टेनिस के अंदर स्क्वायर टाइप के सेट होता है, दो साइड लोग होते हैं, बीच में नेट होता है, तो ये हर तरह के ग्राउंड हो गए और ग्राउंड खेल के हिसाब से होता है। क्रिकेट है तो बड़ा ग्राउंड होगा, टेबल टेनिस है तो छोटा ग्राउंड होगा, कबड्डी है तो छोटा ग्राउंड होगा, तो इस हिसाब से डिपेंड करता है हमारा खेल का सत्र है कि गेम कौन सा है और गेम तीव्रता क्या है उसकी। अगर किसी अगर उस गेम में हमें भागना है तो ऑब्वियसली हमें ग्राउंड बड़ा चाहिए होगा, और अगर नहीं भागना तो हमें ग्राउंड छोटा चाहिए होगा ठीक है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि सतो कौन सी गेम के लिए कौन कौन सी सतह होती है ठीक है। इसके अंदर बस इतना ही। अब हाँ, ये भी प्राकृतिक घास, लकड़ी, सीमेंट युक्त, कृत्रिमिक रबड़, पीवीसी, स्थैतिक पंच, तो किस किस टाइप के ग्राउंड होते हैं ये था हमारा ठीक है। प्राकृतिक घास वाला ग्राउंड, ये तो क्रिकेट टीम में क्रिकेट उसमें भी आपने देखा होगा कि कौन से टाइप का ग्राउंड होता है ना, घास वाला ही होता है वो है ना, और बस पिच ही तो नहीं होती घास वाली, बाकी तो पूरा घास का ही होता है ठीक है। और सीमेंट वगैरह के ग्राउंड है ना, तो ये सब टाइप्स हैं। खेल की सतह के लाभ, ऑब्वियसली अगर कोई चीज हम बना रहे हैं, कोई चीज हम कर रहे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही है ना। तो खेल की सतह के क्या लाभ होते हैं, पहला, खेल चोटों की संभावना को कम किया जाता है और एथलीटों को खेल प्रदर्शन में भी जबरदस्त सुधार किया है। चोट कम लगती है हमें ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप क्रिकेट खेलो ठीक है, जैसे गली क्रिकेट आप खेलते हो, के छोटे ग्राउंड पे खेलते हो आप है ना, गली क्रिकेट गली में, तो उसमें क्या चांसेस होते हैं कि लोगों को भी लग सकती है बॉल, हमें भी लग सकती है क्योंकि जगह ही कम है, और जो भी रनर होगा फील्डर होगा उनको भागने में परेशानी होगी, तो इसलिए हमारे खेल का सतह का होना जरूरी है ठीक है। अब हम जिस जो खेल है उस हिसाब से, अगर हमारी पिच हो, उस हिसाब से हमारा ग्राउंड हो, तो हमें खेलने में इजी होगा है ना। जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, आप उसको गली में खेल रहे हो तो लगेगी लोगों को भी और आपको भी, भाग भी नहीं पाओगे ऊपर से, और बॉल खुलती है वो अलग है ना, बट अगर बड़ा ग्राउंड है ना तो उसमें हम भाग भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, और बहुत सारी और चोट लगने की भी कम चांसेस होगी, बड़ा बड़ा ग्राउंड है, कोई आने जाने वाला तो नहीं आएगा वहां पे है ना, तो ये सब। फिर उसके बाद एक आदर्श खेल मैदान एथलीटों को मानसिक रूप से मजबूत करता है, ऑब्वियसली मानसिक रूप से तो करेगा ही, गली क्रिकेट में क्या होता है आज ज्यादा चिक चिक होती है कि भाई उसके लग गई, मेरे लग गई, ये वो फलाने बहाने, उस बात पर लड़ाई, उसके बाद कि भाई हम भाग नहीं पा रहे तो उन्हें बॉल इधर की फेंकी उधर की फेंकी, इस बात पर लड़ाई। अब हमारा ग्राउंड बहुत, अगर हमारा ग्राउंड ही अच्छा होगा है ना, प्लेयर है हमारे यहाँ खेल रहे हैं दो, अब इसने बॉल यहाँ मारी तो भाई ये भी यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ जा सकता है, लड़ाई नहीं, कोई भी बॉल कैच करके दे सकता है, वापस पास कर सकता है ठीक है। तो भाई हमें यही सीखना पड़ता है, ऑब्वियसली अगर आपका उपकरण अच्छे होंगे, आपको हर फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, तो आप गेम भी अच्छा खेलोगे, गेम भी अच्छा दिखाओगे ठीक है, और उससे क्या होगा, हमारा मानसिक विकास, जो भी गुस्सा उस्सा आना है वो बहुत कम होगा ठीक है। अगर हम छोटी जगह पे खेल रहे हो तो लड़ाई हो जाती है आधे से आधा घंटे में, लोगों को गुस्सा और आता है अलग है ना, तो वही सब ठीक है। अगर हम अच्छी पिच देंगे, इंसान को अच्छे ग्राउंड देंगे, अच्छी सतह देंगे, तो जो प्लेयर है वो बहुत अच्छे से खेलेगा। इसके बाद खिलाड़ी को कम ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है, व्यय मतलब एक्सपेंड ठीक
ठीक है, उसको बहुत कम ऊर्जा लगानी पड़ती है ना, क्योंकि भाई देखो जब हम किसी से लड़ाई भी करते हैं ना, तब भी हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होती है, आपने सुना होगा, है ना। तो वही सेम चीज़ है, अपनी कम ऊर्जा लगानी पड़ती है भाई। तुम ये जिसे हमने बनाया था, अभी ये ग्राउंड है, अब यहाँ पे इंसान खड़े, तो ये वाला इंसान यहाँ वाकई क्यों जाएगा, है ना। ये है ना यहाँ पे भाई, पूरा सर्कल बना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो भाई यहाँ वाला क्यों जाएगा वहाँ पे। तो बस यही कि कम एनर्जी का वेस्ट होता है, लोग अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, जो जो काम उनको दिया जाता है उसे वही करते हैं। गति में सुधार होता है, गति में तो सुधार होगा ही भाई, ठीक है। अब अगर आपको अच्छी चीज़ मिले तो आप अपना 100% देना चाहते हो, है ना, 100% आप अपना सब देते हो, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। बाकी सत्ता को होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अच्छा ग्राउंड मिलेगा, अच्छी पिच मिलेगी, आप अपना 100% देना चाहोगे, और आपको अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, तब भी आप बहुत अपना अच्छा 100% देना चाहोगे, है ना। भाई सामने वाला मेहनत कर रहा है, आपको सब चीज़ दे रहा है, सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अपना अच्छा तो दोगे ही। इसके बाद पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण। अब कौन कौन से हमारे पास गियर होते हैं पहनने के लिए, और कौन कौन से उपकरण हम यूज़ करते हैं, ठीक है। माउथ गाइड्स। अब माउथ गाइड्स होता क्या है, मैं बताती हूँ भी आपको। खेलों में माउथ गार्ड का प्रयोग चेहरे, दांत और जीभ इत्यादि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किस चीज़ के लिए? चेहरे, दांत और जीभ, इनकी सुरक्षा के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कार्ड का उपयोग, अधिकतर बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, फॉर की आदि में किया जाता है। बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, ठीक है। माउथ गियर का यूज़ उसी के लिए किया जाता है। आप देखेंगे ना बहुत बड़ा सा हेलमेट पहनते हैं वो, है ना, वही होता है माउथ गार्ड, ठीक है। और अपने माउथ के बीच में एक आयरन का कुछ लगाते भी हैं, ताकि उनके टीथ सिक्योर रहे, है ना। और हेड के लिए एक हेलमेट पहनते हैं, और यहाँ पूरा उनका ढका रहता है ना यहाँ तक, वो, ठीक है। अपनी मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप देखते होंगे मार्शल आर्ट्स, अभी हम किक वगैरह करते हैं, पंच वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़्यादातर हम फोकस फेस पे करते हैं, और बॉक्सिंग में तो फेस पे ही मारते हैं भाई वो, तो इसलिए हम उसका यूज़ बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। हेलमेट भाई, हेलमेट में पता होगा ना, क्रिकेट में बहुत यूज होता है, ठीक है। खेलों के दौरान सिर की चोट से बचाव के लिए हेलमेट का प्रयोग किया जाता है, सिर की चोट, ठीक है। यही कारण है कि हेलमेट विशेष रूप से हॉकी, क्रिकेट आदि जैसे खेलों में बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण खेल नियर गियर माना जाता है, ठीक है। हॉकी, क्रिकेट, देखा मैंने बोला था ना, क्रिकेट में हम यूज़ करते हैं हेलमेट, अपने देखो वो बॉल से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं ना। तो हॉकी और क्रिकेट में भी, क्रिकेट में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हॉकी तो आपको पता ही है कि भाई वो लेके चलते हैं और लग भी सकते हैं किसी के मुंह वगैरह पे, तो उससे बच के लिए। क्रिकेट का तो भाई क्रिकेट सब देखते हैं बहुत, मतलब इंडिया की मैक्सिमम जनता हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट देखती है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा हम क्रिकेट में अपना हेड वेड बचाने के लिए हम हेलमेट पहनते ही हैं। इसके बाद है पैड। अब हम पैड क्यों पहनते हैं, है ना। आजकल खिलाड़ी शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के पैड का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट में भी देखा होगा आपने, वो नीज को बचाने के लिए पैड पहनते हैं ना, कि नीज पे ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, पैर की इंजरी ना हो जाए, इसलिए वो पैड लगाते हैं, तो उसको भी हम पैड बोलते हैं, ठीक है। तो हर खेल में अलग अलग चीज़ें भाई यूज होती हैं, अपने अनुसार, उस खेल के अनुसार, तो बस वही। इसके बाद आते हैं हमारे जूते। तो हर गेम के हिसाब से अलग अलग जूते होते हैं, हॉकी में अलग जूते पहने जाते हैं, स्केटिंग में अलग जूते पहने जाते हैं, क्रिकेट में अलग जूते पहने जाते हैं, और कबड्डी में भी अलग जूते पहने जाते हैं, फुटबॉल में भी अलग जूते पहने जाते हैं। देखते होंगे आप जूते हैं उनके नीचे कील्स टाइप कुछ होता है, तो वैसे पहने जाते हैं ना, तो जूते तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही भाई। खेलों की प्रकृति के अनुसार विशेष रूप से तैयार किए गए जूते खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा खेल गियर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेल गियर, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हर गेम के हिसाब से अलग अलग शूज होते हैं, जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं तो नुकीले टाइप के शूज, हम बैट बॉल वगैरह खेलते हैं तो स्पोर्ट्स शूज, है ना, तो ऐसे ही सबके लिए शूज अलग अलग होते हैं, तो वही बात इसमें करी गई है जो मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर आता है
खेलों की सत्ता के अनुसार जूते एथलीटों के अपने पैरों को ट्रिपिंग, गिरने या फिर मुड़ने से बचाते हैं। अब हम जब भी हम शूज़ पहन के खेलते तो आपने देखा होगा कि हमारे पैर स्लिप हो जाते हैं तो मुड़ जाते हैं, उससे हमारी मोच वगैरह भी आ सकती है, तो शूज़ हमें उससे भी बचाते हैं। और अगर आप नंगे पैर खेलोगे तो ऑब्वियसली क्या होता है कि पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं तो वो पैर में लग जाते हैं, इससे इंजरी भी हो सकती है, बहुत गहरी इंजरी भी हो सकती है, तो उन सबसे हमें जूते बचाते हैं। इसलिए यह आवश्यक सुरक्षा उपकरण में से एक है। तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, तो हमारे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। पहला कि शारीरिक शिक्षा क्या है, क्या क्या उसके अंग होते हैं, कौन कौन से अंग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या विकास होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके, ठीक है। दूसरा हमारा खेल वाला है ना, खेल वाला हमारा हो चुका है कि कौन सा खेल, कैसे उपकरण, पिच क्या होती है, क्या क्या उसके उपयोग होते हैं, कौन कौन से हम उपकरण का उपयोग करते हैं, कौन सा आवश्यक उपकरण है, वो किस लिए यूज़ होता है, ये सब हम कर चुके हैं। अब हमारा है तीसरा टॉपिक, तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। तकनीकी प्रगति देखें और उससे संबंधित से भी डाला है खेल के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले उदाहरण सेंसर। अब सेंसर क्या होता है, देखो आजकल खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक को जांचने के लिए विभिन्न प्रकार के कैंसर का प्रयोग किया जाता है, सॉरी सेंसर होना चाहिए, सेंसर है यहाँ पे, देख लेंगे हम, हाथ बहुत सटीक हो या आंकड़े देते हैं, ठीक है। अब हम जो भी सेंसर यूज करते हैं उससे क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था ना कि लाइक वो चेक करते हैं अपने माउथ में भी कुछ डाल के, वो चेक करते हैं कि भाई एथलीट्स ने कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं ले, एथलीट्स ने कोई ड्रग्स वगैरह अनइवन चीज़ तो नहीं ली जो उसको नहीं लेनी चाहिए, है ना, इससे ही चेक होता है। और उसके बाद अगर उसने ली होती है तो हम उसको गेम से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, वहीं वहीं उसका गेम से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसके बाद उसको गेम खेलने का मौका भी नहीं जाता दिया जाता, बाद में भी अगर वो सुधर गया उसके बाद भी नहीं दिया जाता, ठीक है, उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो इस सेंसर से हम ये जान सकते हैं कि सामने वाले ने कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं लिए बहुत सारी, और हाँ ये एकदम सटीक डाटा देता है कि वो कितना हेल्दी है, उसने कुछ लिया है या नहीं लिया, सब ठीक है, एकदम सटीक डाटा देता है। आजकल सेंसर का उपयोग खिलाड़ी के असली पैटर्न्स पर नजर रखने के लिए किया जाता है। असली पैटर्न्स मतलब वो कैसे गेम खेलता है, वो लेफ्ट ईयर राइट ईयर, क्या क्या उसकी टेक्निक्स हैं, और सबसे ज़्यादा वो क्या करता है। अब जैसे क्रिकेट देखते होंगे, हर कोई बैटिंग में अच्छा नहीं होता, हर कोई बॉलिंग में अच्छा नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस है विराट कोहली बैटिंग में अच्छा है ना, और जडेजा बॉलिंग में अच्छा है, आई होप शायद मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब हर किसी की टेक्निक अलग होती है, हर कोई अपनी अलग अलग चीज़ में अच्छा होता है, तो सेम चीज़, तो ये जांच करता है कि कौन से खिलाड़ी की क्या टेक्निक है। फिर सर का प्रयोग त्वरण और गति की जैसी योग्यताओं के आकलन के लिए भी किया जाता है। अब हम उसे देख भी सकते हैं, सेंसर एक प्रकार का ही नहीं होता, बहुत प्रकार के सेंसर्स होते हैं, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। वैसे वो इतना डिटेल में हमें नहीं चाहना, हमें बस सेंसर के बारे में पढ़ना है कि सेंसर्स क्या क्या बताते हैं, ठीक है। तो सेंसर हमें पहले ये बताते हैं कि इंसान खिलाड़ी ने क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी उसकी टेक्निक अच्छी है, दूसरा कि उसने कुछ लिया तो नहीं है स्टेरॉइड्स वगैरह ये सब, वो फिजिकली फिट है या नहीं, तीसरा सर का प्रयोग त्वरण और गति जैसी योग्यता, हाँ उसकी गति क्या है, गति के बारे में वो बताते हैं। फिर इसके बाद सेंसर ना केवल खेल प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधित आता को ट्रैक करने में मदद करता है, बल्कि जोखिम भरी शारीरिक गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना को कम करता है। तो ऑब्वियसली सेंसर अगर हमारे पास है तो हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक हमारे लिए अच्छी है, कौन सी टेक्निक हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें क्या होने वाला है क्या नहीं, तो ये सब हमें बताता है। और हाँ ये चोट के चांसेस भी कम करता है, अगर अगर कोई स्टेरॉइड्स लेके आया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई सामने वाला ना अपने आप को रोक नहीं पाता। अगर चलो बॉक्सिंग हम देखते हैं, बॉक्सिंग मैच, ठीक है, बॉक्सिंग मैच है, प्लेयर वन प्लेयर टू, प्लेयर टू ने स्टेरॉइड्स ले रखे, प्लेयर वन को खेलना है, दोनों बॉक्सिंग करेंगे, तो स्टेरॉइड्स एक बार को जो प्लेयर वन है जिन्होंने स्टेरॉइड नहीं लिए वो एक बार को शांत हो जाएगा, बट जो स्टेरॉइड्स वाला है वो उसको बहुत मारेगा, अनलेस अनटिल उसकी डेथ भी हो सकती है उस जगह पे, उस पॉइंट पे। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी स्टेरॉइड्स वाला ना आए खेलने, इसलिए हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो सिंपल यही चीज़ है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसको किसी भी
अन्य मैच में भी एंट्री नहीं मिलेगी, किसी और मैच में भी एंट्री नहीं मिलेगी। और खेल तो सेंसर की वजह से हमारे चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसे ही। खेल उपकरण समय के साथ कई नए और बेहतर उपकरण की आविष्कार हुआ। जैसे जैसे खेल हमारे अच्छे होते गए, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ते गए, तो हमारे ऑब्वियसली खेल उपकरणों का भी आविष्कार हुआ। जैसे हम पहले हेलमेट नहीं पहनते थे, हम पैड नहीं पहनते थे, जो क्रिकेट में पैड पहने जाता है नीज बचाने के लिए, वो नहीं पहनते थे। आप चाहे हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो क्रिकेट की। बट आगे आगे जैसे आविष्कार हुए, तो हमें जानना जानना जरूरी हुआ कि लाइक हमारी नीज भी इम्पोर्टेंट है, हमारा हेड भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी हमारी नीज भी इम्पोर्टेंट है, हमारा हेड भी इम्पोर्टेंट है। तो बस यही चीजें है ना। फिर ऐसी बात ट्रेडमिल और डबल डंबल जैसे स्मार्ट, ट्रेडमिल और डंबल जिम वालों को ये पता ही होगा। तो जिम वाले जाते हैं तो ट्रेडमिल करते हैं ना, ट्रेडमिल पे भागना होता है। और डंबल भाई बॉडी बनानी है, तेरा भाई यार डंबल लेके आया। तो वही चीज, वो ये सारे उपकरण हैं जो बाद में आविष्कार किए गए। इसके अतिरिक्त तो फुल बॉडी स्विमवेयर जैसे अन्य उपकरण पानी के माध्यम से ट्रैक को कम करते हैं, तथा इनसे प्रदर्शन में सुधार भी आता है। स्विमिंग गियर ठीक है, और जब बारिश हो जाती है पिच पे तो उसको ढकना ताकि वो गीली ना हो, जो भी जिस भी चीज़ से वो ढकते हैं, इन सब का आविष्कार हुआ। तो इससे हमारे उपकरण बढ़े ठीक है ना। ये खेल उपकरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बारिश जब मैच रुक जाता है बारिश के बाद, तो मैच खेल ही सकते हैं ना। बट पहले क्या होता था कि भाई ग्राउंड गीला है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए डील हो जाता था। और अब क्या करते हैं कि जब बारिश होती है तो उस पूरे ग्राउंड को ढक दिया जाता है ताकि वो गीला ना हो, और बाद में जैसी बारिश बंद होती है हम दोबारा मैच चालू कर देते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और मैनेजमेंट भी बचता है, क्योंकि बहुत सारी मैनेजमेंट लगती है इसको पढ़ने में। आप ये सब 12th में पढ़ोगे कि कौन कौन सी मैनेजमेंट लगती है किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करने में ठीक है। डिजिटल मीडिया खेल के व्यापक कवरेज तकनीकी के कारण ही संभव हो पाई है। ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कोई फायदा नहीं था। जैसे आप देखते होंगे ग्राउंड पे बैठ के लोग मैच देखते हैं, अब तो उन्होंने देख लिया तो देख लिया है ना। हम क्या करते थे पहले, रेडियो पे सुनते थे, अगर रेडियो नहीं होता समाचार पे देखते है ना। और टीवी टेलीविजन टेलीविजन पे अब हम लाइव भी देखते हैं, हम बाद में भी देख सकते हैं है ना। बहुत सारे OTT एप्स हम उस पर भी देख सकते हैं कभी भी किसी भी दिन किसी भी टाइम है ना। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती भाई तो हम कैसे देख पाते, जो लाइव वाले होते वही देख पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कमेंट्री करते हैं ना, वहाँ लोग जो बैठे रहते हैं स्पेशल लोग है ना, तो वहाँ कमेंट्री करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं होती, माइक नहीं होता, वायर्स नहीं होती, टेलीविजन नहीं होता, तो भाई वो कमेंट्री कैसे करते, हमें कैसे समझ में आता कि क्या चल रहा है गेम में, कौन क्या खेल रहा है। अब जो आगे बैठे हैं तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा, जो पीछे बैठे हैं उनको नहीं दिख रहा, और पीछे वाले तो फिर भी लाइव देख रहे हैं। और टीवी नहीं होता, रेडियो नहीं होता, समाचार नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो सेम ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से संभव है। खिलाड़ी अपने खेल संबंधित कौशलों में सुधार करने के लिए अपने और अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जब चाहे देख कर उनका विश्लेषण कर सकते हैं, उन्हें अपनी तकनीकी में सुधार करने में मदद होती है। टेक्नोलॉजी होगी, हम किसी का मैच कभी भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला था किसी का मैच भी हम कभी भी किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। तो उससे हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ मैच ही नहीं, हम प्लेयर कैसा खेलता है, क्या क्या उसके टेक्निक है, वो लेफ्ट ही है राइट ही है, ये सब वो कौन सी बॉल पे क्या करता है ना, कैसे उसकी बॉलिंग है, कैसे उसकी बैटिंग है, कैसे वो हॉकी खेलते हैं, कैसे वो कबड्डी खेलते हैं, क्या उसके टेक्निक से, ये सब भी जान सकते हैं। और जब हम अपने सामने वाले जो भी, अगर हमारे पार्टनर है, पार्टनर से भी हम कुछ सीख लिया, या फिर हमने सामने वाले जो भी हमारा प्रतिद्वंदी है उससे अगर हम सीख लेंगे, तो हम ऑब्वियसली हमारे 100 तो नहीं बट 90% चांसेस तो होते हैं कि हम जीत जाएं है ना। क्योंकि ऑब्वियसली कि जब हम सामने वाले की टेक्निक समझ चुके हैं, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे कि भाई इस टेक्निक को टैकल कैसे किया जाए, इस टेक्निक को कैसे मात दी जाए है ना, तो उस पर हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो उससे हमारी जो प्लेइंग वो होती है पावर, वो अच्छी होगी है ना, हम अच्छा खेल पाएंगे। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम ठीक है।
शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारे हम फिजिकल एजुकेशन बनने के बाद 12th के बाद करके ऑप्ट कर सकते हैं ये सब। जैसे हम पॉलिटिकल ऑनर्स ले लेते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स ले लेते हैं, ये सब होते हैं ना, ऐसे सेम फिजिकल एजुकेशन के डीपीडी, डीपीएडी, एमपीएड, ठीक है, बीएड, जैसे बीएड होते हैं ना वैसे ही, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, फिजिकल एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आप डिप्लोमा भी ले सकते हो, बैचलर्स भी कर सकते हो और मास्टर्स भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। और हाँ, इसके बाद हमारे और भी टॉपिक्स हैं, और भी वीडियोस आएंगी इस टॉपिक्स पे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।